अयोध्या नगरी में रघुवंश के प्रतापी राजा
दशरथ का साम्राज्य था। अयोध्या नगरी में रघुवंश के प्रतापी राजा दशरथ का साम्राज्य था। लेकिन राजा दशरथ बहुत ही उदास और व्याकुल रहते थे, क्योंकि उनका वंश आगे बढ़ाने के लिए उनका कोई पुत्र नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए अयोध्या नरेश दशरथ ने अश्वमेघ यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। भक्तिपूर्ण आहुतियां पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को खीर का प्रसाद दिया। खीर का प्रसाद उन्होंने अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से राम का, कैकेयी के गर्भ से भरत का और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या नगरी में खुशी की लहर छा गई। अयोध्या वासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई। प्यार से राम को राघव कहते थे। राघव अब घुटने चलने लगे। राघव अठखेलियां करते तो सबका मन मोह लेते थे। जय राम रमा रम नम शम नम भव ताप भया कुल पाहि जनम। ठुमक
इधर चारों भाई अपने बचपन से किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे और उधर अयोध्या से कुछ दूर पर सुंदरवन में सुर राक्षस की पत्नी ताड़का ने अपना आतंक मचा रखा था। उसके शरीर में हजार हाथियों का बल था। सुंदरवन में ही ऋषि विश्वामित्र का आश्रम था। ताड़का के दो पुत्र थे, सुबाहु और मारीच। इन तीनों के आतंक से विश्वामित्र सहित सभी ऋषि मुनि परेशान थे, भयभीत थे। इनके अत्याचार से भय का वातावरण व्याप्त था। आश्रम की रक्षा के लिए ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास गए और राम लक्ष्मण को अनुरोध कर मांग कर अपने साथ सुंदरवन ले आए। जय राम रमा रम नम शम नम भवताप भयाकुल पाहि जनम। रघु सर संग चले सब भला, गुरु चरण और लक्ष्मण के सुंदरवन में आगमन का समाचार सुनकर ऋषि मुनियों में खुशी की लहर छा गई। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि अब राक्षसों के प्रकोप से मुक्ति मिल जाएगी और हुआ भी यही। जब राम और लक्ष्मण के समझाने पर भी ताड़का और उसके दोनों पुत्र नहीं माने तो राम ने ताड़का का वध कर दिया। विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन राम ने भीषण युद्ध में सुबाहु को भी मार गिराया और मारीच उनके बाण से आहत होकर दूर दक्षिण में समुद्र तट पर जा गिरा। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर दिया। सुंदरवन में वापस सौम्य वातावरण छा गया। उधर जनक के निमंत्रण पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुर के लिए रवाना हो गए और वहां पुष्प वाटिका में संयोग से श्री राम की भेंट सीता से हो गई। जय राम रमा रम नम शम नम
बहुताप भया कुल पाहि जन। राम देखे सिया को सिया राम को जी राम देखे सिया को सिया राम को ओ चारों अखियां मिली जनकपुर पहुंचने से पहले रास्ते में अहिल्या का उद्धार भी किया। गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या वर्षों से शिला के रूप में वन में जड़वत थी। प्रभु राम के चरण स्पर्श मात्र से पुनः अपने वास्तविक रूप में यानी कि सुंदर नारी के रूप में आ गई। मिथिला नरेश जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। कहा जाता है कि जनक के द्वारा प्रतिज्ञा की गई थी कि जो कोई भी शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। जय राम रमा रम नम शम नम भवताप भया कुल पाहि जन। हुयो स्वयंवर सीता को जब जनकपति के वचन सुनाई जो तोड़े शिव धनुष सभा सीता संग ब्याह रचाई कहूं दिशा से राजा आए शिव का धनुष न तोड़ न पाए तब रघुवर निज सहज व्रति से चंद्रमौली का धनुष उठाए जब तोड़ा शिव धनुष प्रभु हाहाकार मची अति भारी परशुराम तब आए सभा में विप्र हुए क्रोधित अति भारी लक्ष्मण परशु संवाद हुयो तब अवधपति स्वम उठ कर आए हाथ जोड़ कर प्रभु राम ने परशुराम को शांत कराए परशुराम को शांत कराए यह वही शिव धनुष था जिसे राजा जनक के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। शिव धनुष शंकर जी का प्रिय धनुष था जिसका नाम पिनाक था। स्वयंवर के बाद श्री राम का विवाह सीता के साथ धूमधाम से हुआ। परशुराम सहित कई ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, साथ ही साथ गुरु वशिष्ठ ने भरत विवाह मंडली से लक्ष्मण का उर्मिला से और भरत का मांडवी से विवाह कर दिया।
लक्ष्मण का उर्मिला से, शत्रुघ्न का शुद्ध कीर्ति से विवाह कर दिया। प्रजा में खुशी की लहर छा गई। जय राम रमा रम नम शम नम भवताप भया कुल पाहि। अरे भैया आज हमरे आंगनवा में, आज हमरे आंगनवा में आई हो एक बरात हो, राम जी बिहानी आई हो जाने की हो, राम जी नगर नगर के लुकवा हो, नगर नगर के लुकवा गीत गाए आज हो, राम जी आई हो जाने की, राम जी आई हो जाने की। शोभा बरनी न जाए रूप अनोखा श्यामल चेहरा, शोभा बरनी न जाए कोमल कोमल जनक दुलारी नजर उतारो भाई, कोमल कोमल जनक दुलारी नजर उतारो भाई, युगल छवि का देखो, हमरे आंगनवा में ओ, आज हमरे आंगनवा में आई हो बरात हो, राम जी की रानी आई हो जाने की सार, ओ राम जी की रानी आई हो जाने की सार, ओ राम जी की रानी आई हो जाने की सार, ओ राम जी राम के विवाह के बाद कुछ समय बाद दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी श्री राम का राज्याभिषेक करने की घोषणा कर दी। लेकिन रानी कैकई नाराज होकर कोप भवन में चली गई। वो अपनी दासी मंथरा की सलाह पर भरत को राजा बनवाना चाहती थी। जब दशरथ कैकई को मनाने आए तो उन्होंने दशरथ को याद दिलाया कि एक बार जब उसने दशरथ की जान बचाई थी तो दो वर देने का वादा किया था। कैकई ने पहला वर यह मांगा कि उसके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। वचनों में बंधे दशरथ मजबूर हो गए और उन्हें यह स्वीकारना पड़ा। राम ने अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए वनवास के लिए सहर्ष स्वीकृति दे दी। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास को चले गए। जय राम रमा रम नम शम नम भवताप भया कुल पाहि। वन चले राम रघुराय संग में सीता माई, राजा जनक की जाई, राजा जनक सीता माँ।
बीच चलते हैं मात जान की तीन लोक की माई बन चले राम रघुराई संग में सीता माई राजा जनक की जाई राजभवन में रहने वाले सुकुमार और कोमलांगिनी सीता नंगे पांव वन में चलती है। विपरीत और विषम परिस्थितियों को भी उन्होंने अनुकूल और सुगम बना लिया। उधर पुत्र वियोग में दशरथ का स्वर्गवास हो गया। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया। कैकेयी को भी अपने किए पर पश्चाताप हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इधर राम और सीता लक्ष्मण के साथ ऋग्वेदपुर में निषाद राज गुह के पास गए, जहां पर निषाद राज ने उनकी बहुत सेवा की। अब प्रयाग जाने की आगामी यात्रा के लिए राम को गंगा नदी पार करनी थी और उन्हें मदद लेनी पड़ी केवट की। केवट रामचंद्र का अनन्य भक्त था। जय राम रमारम नम शम नम भवताप भयाकुल पाहि मोरे राम। कभी कभी भगवान को भी मोरे राम। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े बैठे प्रभु दर्शन पाए हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े
चरण धूल की महिमा भरी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना होए बड़े जाना गंगा पार प्रभु के बटकिया चढ़े, जाना गंगा पार प्रभु के बटकिया चढ़े। कभी कभी भगवान मोरे रारा, कभी कभी प्रभु राम को भी भगतों से चित्रकूट में निवास करने लगे। राम को मनाकर अयोध्या वापस लाने के लिए भरत सभी स्नेही जनों के साथ चित्रकूट आ गए। सीता के माता पिता सुनैना और जनक भी चित्रकूट पहुंच गए। भरत ने राम से वापस अयोध्या चलने का निवेदन किया और वहां चलकर राज्य संभालने का आग्रह किया, लेकिन राम ने पिता की आज्ञा पालन करने और रघुवंश की रीति निभाने की बात कहते हुए स्पष्ट मना कर दिया। भरत राम की चरण पादुकाएं लेकर वापस अयोध्या आ गए और पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया। चित्रकूट से राम आगे चल दिए। आगे बढ़ने पर राम को जगह जगह हड्डियों के ढेर दिखाई दिए। मुनियों ने राम को बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है और यह उन्हीं मुनियों की हड्डियां हैं। यह सुनकर राम विचलित हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे समस्त राक्षसों का वध कर पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। राम आगे बढ़े और पंचवटी को अपना निवास बनाया। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर राम से प्रणय निवेदन किया। राम ने उसे मना कर दिया और यह कहकर मना किया कि वे अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। उन्होंने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने प्रणय निवेदन को अस्वीकार करते हुए शत्रु की बहन जानकर उसके नाक कान काट दिए। शूर्पणखा ने खरदूषण से सहायता मांगी। युद्ध में राम ने खरदूषण की सेना का संहार कर दिया। अब शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को सोने का मृग बनाकर पंचवटी भेजा। स्वर्ण मृग को देखकर सीता मोहित हो गई। जय राम रमा रम नम शम नम भवताप भया कुल पाहि जन। मोहि लत तुझि रम रघुबीर, मोहि लत तुझि रम रघुबीर, यो मृग लागे सुंदर सोचि। मोहि लत तुझि रम रघुवीर, यो मृग लागे सुंदर
शम 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 नाचे तो मैंने वर भी बनवाओ मोरी मानो जी बिनती आज क्यों मैं के लागे सुंदर सोजे मोहिला दो जी राम रघुबीर क्यों मैं के लागे सुंदर सोजे मोहिला दो जी प्यारे रघुबीर क्यों मैं के लागे सुंदर सो सुंदर सो जी चंचल सो के कहने पर राम स्वर्ण मृग रूपी मारीच की खाल लेने के लिए जंगल में चले गए। लक्ष्मण को वहीं रुककर सीता की रक्षा करने की आज्ञा देकर मारीच राम के हाथों मारा गया, लेकिन मरते मरते मारीच ने राम की आवाज बनाकर कहा, हे लक्ष्मण और हे लक्ष्मण का क्रंदन सुन। सीता ने लक्ष्मण को राम के पास भेज दिया। सीता अकेली रह गई। रावण ने छल पूर्वक सीता का हरण कर लिया और अपने साथ लंका ले गया। रास्ते में सीता को बचाने जटायु ने रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने अपने पंख काट कर जटायु को अधमरा कर दिया। सीता को न पाकर राम दुखी हो गए और विलाप करने लगे। राम सीता को ढूंढते ढूंढते सघन घर में जाने लगे। वहां रास्ते में राम की भेंट जटायु से हुई। जटायु ने बताया कि रावण ने उसका यह हाल कर दिया है और वो सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। राम भूखे प्यासे सघन वन की ओर बढ़ते चले गए। वे शबरी के आश्रम में पहुंच गए। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जय रामा रमा रटते रटते बिबिरे उमरिया रमा रमा रटते रटते बिबिरे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे फिल्मी की नगरिया रमा रमा रटते रटते बिबिरे आगे बढ़ते बढ़ते राम कृष्णमुख पर्वत के निकट आ गए। इस पहाड़ पर
सुग्रीव रहता था अपने मंत्रियों के साथ। राम और लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव ने सोचा जरूर ये उसे मारने के लिए आए हैं और इन्हें बाली ने भेजा है। सुग्रीव ने हनुमान को राम लक्ष्मण का पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान को जब पता चला कि इन्हें बाली ने नहीं भेजा है तो हनुमान ने सुग्रीव से राम की मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने वादा किया कि सीता जी को ढूंढने में वे राम की मदद करेगा। अपने भाई बाली के अत्याचार के बारे में भी उसने राम को बताया। राम ने बाली का छल पूर्वक वध कर सुग्रीव को कृष्णकंधा का राजा बना दिया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज। सीता को ढूंढते ढूंढते सुग्रीव के भेजे वानर दल की भेंट समुद्र तट पर संपति से हुई। संपति ने बताया कि रावण ने सीता को लंका में अशोक वाटिका में रखा है। अब समुद्र लांघ कर लंका जाने की बारी थी। हनुमान असमंजस में पड़ गए। ऐसे में जामवंत ने उन्हें अपनी और हनुमान को अपनी शक्ति याद दिलाई। जय राम रमारम नम शम नम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अंगद के संग लेने गए सिए को जी कपि सिए बिनु चरु जीवत न बचियो हम सो जो बिना सुदि लई संकट मोचन नाम दिहारो संकट मोचन नाम दिहारो संकट मोचन नाम दिहारो संकट मोचन नाम दिहारो संकट मोचन नाम दिहारो। हनुमान ने लंका की ओर कूच किया। सुरसा ने हनुमान की परीक्षा ली और उन्हें सामर्थ्यवान पाकर आशीर्वाद दिया। हनुमान ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकिनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश कर लिया। वहां उन्होंने विभीषण से भेंट की। जब हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे तो देखा रावण सीता को धमका रहा है। रावण के जाने पर हनुमान ने सीता से भेंट कर उन्हें राम मुद्रिका दी। हनुमान ने अशोक वाटिका का विध्वंस कर रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। मेघनाथ हनुमान को नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले गया। हनुमान ने अपना परिचय दिया कि मैं राम का दूत हूं। रावण ने हनुमान की पूंछ में तेल का कपड़ा बांधकर आग लगा दी। इस पर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। जय राम रमा रम नम शम नम भवताप भया कुल पाहि जनम। बानर बाकोरे लंका नगरी में मच गयो बाकोरे ओ बानर बाकोरे आगे बानर बाकोरे लंका नगरी में मच गयो बाकोरे बानर बाकोरे
सीता ने अपनी चूड़ामणि देकर उन्हें विदा किया। हनुमान के कार्य से राम अत्यंत प्रसन्न हुए। राम वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंच गए। उधर रावण के भाई विभीषण ने रावण को समझाया कि राम से बैर ना लें, लेकिन रावण ने उसे अपमानित कर लंका से निकाल दिया। विभीषण राम की शरण में आ गया और राम ने उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। जामवंत के आदेश पर नल और नील दोनों भाइयों ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बांध दिया। श्री राम ने श्री रामेश्वरम की स्थापना कर शंकर की पूजा की। Bye.
सेना सहित समुद्र पार उतर गए राम। राम के आने का समाचार सुनकर रावण व्याकुल हो गया। राम अपनी वानर सेना के साथ सुबेल पर्वत पर निवास करने लगे। इधर अंगद राम के दूत बनकर रावण के पास गए और राम के शरण में आने का संदेश दिया, लेकिन रावण कहां मानने वाला था। शांति के सारे प्रयास असफल हो गए और युद्ध प्रारंभ हो गया। लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच घमासान युद्ध हुआ। शक्ति बाण के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो गया। जय राम रमारम नम शमनम भवताप दया। अंजनी की लला द्रोण गिरिजा जो जी, अंजनी की लला द्रोण गिरिजा जो जी, औषधि लेकर आए और सुषेण के उपचार से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। अब रावण ने युद्ध के लिए
कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने रावण को सलाह दी कि वो राम की शरण में चला जाए, लेकिन इस बार भी रावण नहीं माना। मंदोदरी ने भी सलाह दी कि वो राम की शरण में चला जाए, लेकिन रावण नहीं माना। और अब युद्ध हुआ कुंभकर्ण और राम के बीच। इस घमासान युद्ध में कुंभकर्ण भी राम के हाथों मारा गया। अब लक्ष्मण और मेघनाथ का एक बार फिर युद्ध हुआ। इस बार लक्ष्मण ने मेघनाथ को मार गिराया। भीषण युद्ध की इस श्रृंखला में राम और रावण के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। एक ओर राम और दूसरी ओर लंकेश, महापराक्रमी रावण। धर्म का सांस देने वाले राम और दूसरी ओर अहंकारी रावण, दोनों के युद्ध से पृथ्वी कांप गई। और अंत में परम पराक्रमी प्रभु राम के हाथों अहंकारी लंकेश मारा गया। विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया गया। विभीषण को लंका का राज्य सौंपने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्या की ओर चल पड़े। जय राम रमा रम नम शम नम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवदेश सुरेश रमेश विभो, शरणांगत मांगत पाहि प्रभु। जय राम रमा रम नम शम नम, भवताप भयाकुल पाहि। पीत मार
हर्षु न जाय कहीं मंजुल मंगल मोल बाम अंग फरकन लगे सियावर राम चंद्र भगवान की जय। इन लोगों के लिए क्योंकि मैं सिर्फ नृत्य कर रही हूं और इसकी पटकथा दिलीप जी ने लिखी है। म्यूजिक जो कि गीतों का चयन है वो रणेश जी का रहा है और साथ ही मेरे जो साथीगण हैं सभी लोग राजकुमार भैया रैना ललित भैया नरेंद्र जी सब लोग बैठे हैं सब मेरे अजीज अपने लोग हैं और ये बहुत सालों बाद मेरा सौभाग्य है कि ये सारे अजीज एक साथ हैं। मित्रों हमारे साथ जो कलाकार बंधु देखिए गायन तो होता है लेकिन इसके पीछे जो पूरी टीम चलती मैं आप सबसे गर्भवती प्रार्थना करूंगा इनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। हमारे मेरे पूजनीय चाचा जी हैं ललित जी हमारे नरेंद्र जी जैन साहब सप्तक संस्था के मान्य अध्यक्ष महोदय जी हैं सतीश जी भाई साहब रविंद्र जैन साहब और संदीप भाई रैना हमारे प्रेम भाई रानू और एक छोटी और कलाकारा बैठी है बहुत पीछे हृदयांशी और मेरे साथ तबले पर राजकुमार जी उमेश जी भी अपना नाम ले रहे हैं कि मैं दर्शकों में बैठा हूँ उमेश जी भाई साहब भी। चलिए एक छोटी सी ठुमरी प्रस्तुत कर रहे हैं कृष्ण पे आधारित है और थोड़ा I'm not afraid.
रमारम नमशम नम भवताप भयाकुल पाहि जनम अरब।